हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्निश किचन। आज मैं गार्निश किचन में आपको बताऊंगी कि मिल्क मेड जैसा कंडेंस मिल्क आप अपने घर पर कितनी आसानी से और वो भी कितने कम सामान में बना सकते हैं, जो कि आप अगर बाजार में लेने जाते हैं तो वही छोटा सा पैक आपको 100-150 रुपए में मिलता है, जो कि आप घर पर बनाएंगे तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है। यहाँ पर मैंने करीब 450 ml दूध लिया है। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर दूध डालेंगे और दूध को अच्छे से गर्म करेंगे। दोस्तों, आप इस कंडेंस मिल्क को 1 महीने तक भी अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आपका कुछ भी केक या अच्छी सी मिठाई बनाने का मन करे, इससे जल्दी से बना सकते हैं। दूध के गर्म हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। दूध को हमको ऐसे ही लगातार चलाते हुए 3/4 इसकी क्वांटिटी हो जाने तक पकाना है। दोस्तों, इस बीमारी के माहौल में सभी लोग घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको टेस्टी खाना भी मिले और सेफ भी मिले। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं सभी रेसिपीज बिल्कुल आसान तरीके से बताऊं, ताकि आप सभी रेसिपीज़ को बिल्कुल आसानी से बना सकें। अगर आपको ऐसी रेसिपीज और चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा दूध पक के 3/4 हो चुका है। अब इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से हमारे कंडेंस मिल्क का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और उसका कलर भी बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ पे हमको दूध को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते रहना है ताकि वो तली से ना चिपके। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे कंडेंस मिल्क का कलर और इसका टेक्सचर कितना स्मूथ होता जा रहा है। हमारे को इस दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हमारे को यहाँ पे लगातार चलाते रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि कंडेंस मिल्क को ज़्यादा गाढ़ा होने नहीं देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारा कंडेंस मिल्क गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर और टेक्स्चर भी कितना स्मूथ हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। देखा है ना कितनी इजी रेसिपी। अगर आप ऐसी रेसिपीज और पाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।